Hello everyone, Sarvode Namaskar, it's me Shefali ma'am. Now I'm gonna teach you English of course book of Standard 5, Unit 3, Chapter 3, A Rupee Goes a Long Way. Before reading the chapter, let me tell you about the author of the chapter. It's about Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian writer who has played a very important role in the growth of children's literature in India. ये इकलौते एक ऐसे राइटर थे जो बच्चों के लिए लिखते थे और बहुत ही अच्छे तरीके और फनी तरीके से लिखते थे और ये इकलौते ऐसे राइटर थे जो बच्चों की कहानियों को खास करके स्टोरीज को रोमांचक और फनी बना के लिखते थे और इन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया है बच्चों के बड़े होने में. इनकी स्टोरीज को पढ़ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते थे. ही हैज़ रिटन सेवरल पॉपुलर नॉवल्स. इन्होंने बहुत सारी प्रख्यात बहुत ही फेमस नॉवेल्स को लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियों को एंड पोएम्स कविताओं को भी. मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज लाइफ इन द हिल स्टेशंस. क्योंकि ये हिल स्टेशन में पैदा होकर पले बढ़े थे तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के यात्रा के वृतांत या कहानियाँ हिल स्टेशन से जुड़ी हुई हैं. एट द फूदल्स ऑफ हिमालयाज, शिमला के एक प्रदेश में ये पले बढ़े थे जो हिमालयन साइड पे है, एंड वेयर हिज स्पेंट हिज चाइल्डहुड, जहाँ इनका अपना बचपन बीता था. So that was all about Ruskin Bond, guys. So we are gonna read his story, the Ruskin Bond's story. The title of the chapter is A Rupee Goes a Long Way. Ranji, ये character में एक बच्चे का नाम है जिसका नाम है रंजी, had a 1 rupee coin. इसके पास 1 रुपए का सिक्का था. So he made his way to the Jumna sweet shop. अब क्योंकि बच्चों को sweets बहुत पसंद होती हैं, वो chocolates बहुत मन से खाते हैं, तो इन्होंने अपना मन में सोचा कि अगर इनके पास 1 रुपए है तो वो उसको कैसे स्पेंड करे. तो ये एक इनके प्रदेश में गली में एक शॉप थी जिसका नाम था जुमना स्ट्रीट शॉप. रंजी वहाँ गए एंड ही टॉस्ड द कॉइन ऑन द काउंटर. बहुत ही रॉब से इन्होंने उस 1 रुपए के सिक्के को दुकानदार के काउंटर पे रखा एंड आस्क्ड फॉर अ रुपीज वर्थ ऑफ जलेबीज. उन्होंने उस दुकानदार से कहा कि मुझे 1 रुपए की जलेबियाँ चाहिए. द शॉप कीपर लुकेड एट द कॉइन केयरफुली. दुकानदार ने सबसे पहले तो सिक्के का नुमायना किया कि सिक्का खोटा तो नहीं, कहीं नकली तो नहीं. दैट कॉइन्स नो गुड, ही सेड. दुकानदार ने फाइनली कहा, यह सिक्का किसी काम का नहीं. आर यू श्योर, रंजी ने कहा, तुम सचमुच में कह रहे हो? दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो. दुकानदार ने कहा, इस तरह के सिक्के बहुत ही पहले बंद हो गए थे. इट इजंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल. ये तो अब बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है कि इसका कुछ यूज किया जा सके. एंड इट इजंट न्यू इनफ टू बाई एनी थिंग. और इसका अब तो ये भी यूज़ नहीं कर सकते कि इससे कुछ नया खरीद लें. रंजी श्रगड. रंजी एकदम आश्चर्यचकित हो गए. टुक द कॉइन बैक एंड टर्न इट ऑन द रोड. वापस उन्होंने अपना सिक्का लिया और रोड की तरफ मुड़ गए. सून, थोड़ी देर में, रंजी वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द बाजार. पूरे बाजार में वो इधर से उधर घूमते रहे. वेयर ही लर्न अ फैमिलियर वॉइस बिहाइंड हिम. जहाँ उसे किसी से पीछे उसकी आवाज़ को पुकारने की उसने आवाज़ सुनी. Where are you going, Ranji? किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं रंजी? It was Mohinder Singh, Ranji's friend. ये कोई और नहीं, रंजी के अपने बहुत खास दोस्त मोहिंदर थे. In one hand, Mohinder held his homemade fishing rod. मोहिंदर के एक हाथ में घर की बनी हुई मछली को पकड़ने वाला एक कांटा था. I'm not going anywhere, said Ranji. Where are you going? मैं कहीं नहीं जा रहा, आप कहाँ जा रहे हो? I'm not going, I have been. मोहिंदर से, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं बल्कि घूम के आया हूँ. आई वॉज फिशिंग इन द कैनल ऑल मॉर्निंग. मैं पूरे दिन आसपास खेतों में जो पोखरा है ना उसमें मछली पकड़ रहा था. ओके, व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट. रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड. रंजी ने बहुत ध्यान से उस घर के बने हुए मछली के कांटे को देखा. विल यू लेंड इट टू मी, ही आस्क्ड इट. क्या आप मुझे ये मछली पकड़ने वाला कांटा देंगे? यू विल ओनली यूज इट और ब्रेक इट. या तो तुम उसे तोड़ दोगे या फिर तुम्हें मछली पकड़ने ही नहीं आएगी क्योंकि तुमने तो कभी पकड़ी नहीं है. बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू 2 रुपीज. पर मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें बेच दूंगा तो 2 रुपए में मैं तुम्हें अपना ये मछली का कांटा दूंगा. आई हैव गॉट 1 रुपी. रंजी ने कहा, मेरे पास तो 1 ही रुपया है. बट इट्स एन ओल्ड वन. और ये बहुत पुराना सिक्का है. द स्वीट सेलर वुडंट टेक इट. जो मिठाई की दुकान वाला है वो तो लेगा नहीं. प्लीज लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर. मोहिंदर ने कहा, मुझे दिखाओ तो पहले. ही टुक द कॉइन एंड लुक एट इट ओवर. उन्होंने बहुत ध्यान से सिक्का लिया और उसको पूरे तरह से देखने लगे. आई डोंट सपोज इट्स वर्थ मच.
बट माई अंकल कलेक्ट्स ओल्ड कॉइन्स। हाँ मुझे लगता है ये उतना भी महंगा नहीं है, पर मेरे अंकल को, मेरे मामा जी को पुराने सिक्के बहुत पसंद है। गिव इट टू मी एंड आई विल गिव यू द रॉड। मुझे ये दे दो तो मैं तुम्हें मछली पकड़ने का कांटा दूंगा। ऑल राइट सेड रणजी। रणजी ने खुश होते हुए कहा ठीक है, एंड ही वॉज हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। वो आदान प्रदान करके बहुत ही खुश था। ही टुक द फिशिंग रॉड। उसने फिशिंग रॉड ली। वेव इट गुड बाय टू महेंद्र एंड सेट ऑफ। महेंद्र को कहा बाय और निकल पड़ा मछली पकड़ने। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग। थोड़ी देर में एक ट्रक आया। रणजी ड्रू द ड्राइवर एंड वेवड एंड शाउटेड टू हिम। रणजी उस ड्राइवर को जानते थे, ट्रक ड्राइवर को, और बहुत जोर से उनकी तरफ चिल्लाए। तो ट्रक वाले ड्राइवर ने ट्रक रोक दिया। विल यू टेक मी टू द रिवर? रणजी ने कहा क्या आप मुझे उस नदी के पोखरे के पास ले जाएंगे? आई एम गोइंग फिशिंग। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। क्लाइम अप इन द बैक, द ड्राइवर सेड। ड्राइवर ने कहा पीछे से चढ़ जाओ। रणजी क्लाइम इन टू द बैग एंड ओपन द ट्रक। रणजी पीछे से चढ़ गए और ट्रक में घुस गए। सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम। थोड़ी देर में जहाँ से वो चढ़े थे वो जगह उनकी आंखों से ओझल हो गई। इन अ वाइल द ट्रक स्टॉप नियर द रिवर बेड। थोड़ी देर में ही ट्रक उस पोखरे के पास आकर रुक गया। रणजी गॉट डाउन। रणजी उस ट्रक से नीचे उतरे। थैंक यू द ड्राइवर एंड बिगेन वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक। उन्होंने ड्राइवर को थैंक यू बोला और नदी के उस किनारे की तरफ बढ़ चले। इट वॉज द ड्राई सीजन एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम। क्योंकि गर्मी का सीजन था, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, और जो पानी था नदी का बहुत ही अंदर था, मतलब नदी लगभग से ज्यादा सूखी पड़ी थी। रणजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ फिश। क्योंकि जब तक पानी गहरा नहीं होता मछलियाँ पकड़ाती नहीं हैं, और पानी की कम गहराई के कारण मछलियाँ आसानी से पकड़ में नहीं आ रही थी। नो वॉन्डर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रॉड। फिर भी उन्होंने कहा मोहिंदर मेरा इतना अच्छा दोस्त है, उसने मुझे मछली पकड़ने का कांटा दिया, मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। सो विद अ श्रग ही टर्न इट बैक। थोड़ा देर सोच कर, काफ़ी कोशिश करने के बाद वो वापस मुड़ गए। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार। वापस वो उसी बाजार में आए, लंबी यात्रा तय करते हुए और बहुत ही गर्मी से भरी हुई थी। रणजी थॉट अगेन ऑफ द जलेबीज दैट ही डिडंट हैव बीन एबल टू बाय। रणजी को बार बार उस जलेबियों की याद आ रही थी जिसे वो खरीद ही नहीं पाए थे। सो ही हैड रीच्ड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेस व्हेन ही सॉ अ बॉय प्लेइंग अ फ्लूट। काफी टूटे फूटे गली के घरों से गुजरने के बाद उन्होंने देखा एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत बांसुरी बजा रहा था। इन द स्टिलनेस ऑफ द हॉट आफ्टरनून द फ्लूट मेड अ चीयरफुल साउंड। दोपहर के उस सनसनी तपती दोपहर में वो बांसुरी की आवाज बहुत ही सुरीली थी। एंड रणजी स्टॉप इट वॉकिंग। रणजी एकदम से रुक गए। द बॉय स्टॉप इट प्लेइंग। उस लड़के को रुका हुआ देख के लड़के ने भी, दूसरे लड़के ने बांसुरी बजानी बंद कर दी। द बॉय हैड हिज आई ऑन रणजी'स फिशिंग रॉड। बांसुरी बजाने वाले लड़के की आंखें रणजी के उस मछली पकड़ने वाले कांटे की ओर थी। रणजी हैड हिज आई ऑन द फ्लूट। रणजी की आंखें उस बांसुरी पे थी। बीन फिशिंग? आस्क द फ्लूट पे। बांसुरी बजाने वाले ने कहा फिश करके आ रहे हो आप, मछली पकड़ के आ रहे हो? यस सेड रणजी। उसने कहा हाँ। डिड यू कैच एनीथिंग? क्या तुमने कोई मछली पकड़ी? नो सेड रणजी आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग। नहीं मैं तो वहाँ बहुत देर रुका ही नहीं। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस। देन रणजी सेड इट्स अ गुड रॉड। काफी देर रुक कर रणजी ने कहा ये बहुत अच्छा मछली पकड़ने वाला कांटा है। दिस इज अ गुड फ्लूट। उस बांसुरी वाले ने कहा मेरी बांसुरी भी बहुत अच्छी है। एंड रणजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन इट। रणजी ने बहुत ही प्यार से बांसुरी को उठाया और बहुत ही गौर से आगे पीछे उसे देखा। ही पुट इट टू हिज लिप्स। उन्होंने उसे अपने होठों के पास लाया एंड ब्लू हार्ट और उसे बजाने की कोशिश करी। देर वॉज अ श्रिल स्क्वीकी नोज एंड अ स्टाल्ड मैगपाई फ्ली आउट ऑफ अ मैंगो ट्री। रंजू ने अभी बांसुरी बजाने शुरू ही करी थी कि अजीब सी भद्दी आवाज को देख के पास के आम के पेड़ से एक चिड़िया उड़कर भाग गई। नॉट बैड सेड रंजी। वाओ तुम्हारी फ्रूट तो बहुत अच्छी है। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रणजी एंड वॉज लुकिंग इट ओवर। बांसुरी बजाने वाले ने मछली का कांटा लिया रणजी के हाथ से और उसने कहा नॉट बैड, तुम्हारा मछली का कांटा भी बुरा नहीं है। रणजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर। रणजी ने कहा चलो ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, बदलते हैं, तुम मेरा फिशिंग रॉड ले लो, मैं तुम्हारी बांसुरी लेता हूँ। द बॉय टुक द फिशिंग रॉड एंड वेंट ऑन हिज वे। बांसुरी वाला फिशिंग रॉड लेकर अपने रास्ते चलता बना। रणजी बिगैन प्लेइंग द फ्लूट। अब रणजी धीरे धीरे बांसुरी बजाने की कोशिश करने लगी। द नोट साउंडेड लवली टू हिम।
धीरे धीरे बजाते बजाते वो बहुत अच्छे से बजाने लगी, बट दे स्टाल पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड. लेकिन बीच बीच में क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने के कारण अजीब सी बजाते थे, तो चलते हुए लोग रास्ते में रुक जाते थे और हड़बड़ा के देखते थे कहाँ से आवाज़ आई. When he came to the clock tower where the bazaar began, he sat on the low wall and blew vigorously on the flute. बाजार में एक टावर था जिसमें घड़ी लगी थी, तो उसको क्लॉक टावर बोलते थे. वो ठीक उस बाजार के बीचों बीच क्लॉक टावर के सामने बैठ के बांसुरी को बजाने लगी. I can play better than that, said a boy who was crying several empty milk cans. पास से दूध बेचने वाले एक छोटे से बच्चे ने कहा कि उसके पास बहुत सारे दूध के कैन भी थे. उसने कहा मैं तुमसे ज्यादा अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ. लेट्स सी, सेड रणजी. रणजी ने कहा चलो देखते हैं कौन अच्छी बजाता है. द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटिल ट्यून. उस बच्चे ने रणजी के हाथ से बांसुरी ली और बहुत ही अच्छे से एक ट्यूनिंग बना के उन्होंने बांसुरी को बजाया. यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी, सेड रणजी. रणजी ने कहा मैं तुम्हें अपनी बांसुरी 1 रुपए में बेच दूंगा. आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर, सेड द बॉय. मेरे पास तो देने के लिए तुम्हें छुट्टे पैसे ही नहीं है. बट यू कैन हैव दिस नेकलेस, लेकिन तुम ये हार ले सकते हो. ही शोर रणजी अ प्रिटी नेकलेस एंड अ ब्राइटली कलर्ड स्टोन्स. उसने रणजी को वो नेकलेस दिखाया जिसमें छोटे छोटे मोती बहुत ही चमकते हुए लगे पड़े थे. द स्टोन्स आर वेरी प्रीशियस, ये मोती तो बहुत ही कीमती हैं. एंड सेड द बॉय दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत. ये जो स्टोन्स हैं, ये जो पत्थर हैं, तिब्बत के पहाड़ों पर मिलते हैं. रणजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू बट दे वर प्रिटी. रणजी अच्छे से जानता था कि उस नेकलेस में लगे हुए स्टोन्स इतने भी महंगे नहीं थे, पर खूबसूरत तो थे ना. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फूड. अब वो बांसुरी बजा के थक गया था. दे मेड द एक्सचेंज, उन्होंने वापस से एक दूसरे की चीज़ों को बदला. एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट, और उसने लड़के को अपनी बांसुरी दे दी और रणजी ने उससे हार ले लिया. रणजी वॉज अबाउट टू थर्स्ट दिस नेकलेस इन टू हिज पॉकेट व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल स्टेयरिंग एट हिम. रणजी उस हार को अपने पॉकेट में डालने ही वाला था कि उसने देखा दूर से एक बच्ची उसे घूर रही थी. हर नेम वॉज कोकी, उस बच्ची का नाम कोकी था. एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, और वो रणजी के घर के पास में ही रहती थी. हेलो कोकी, ही सेड. हाय कोकी, व्हाट्स दैट यू हैव गॉट रणजी. ये तुम्हारे हाथ में क्या है रणजी? अ नेकलेस, वुड यू लाइक टू हैव इट? एक बहुत ही खूबसूरत सा हार, तुम चाहती हो क्या? ओ थैंक यू, सेड कोकी क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर. अपने हाथों से तालियां बजाते हुए कोकी बहुत खुशी से कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, अगर तुम मुझे ये नेकलेस दे दो. 1 रुपी, सेड रणजी. 1 रुपए, रणजी ने कहा. ओह, सेड कोकी, अच्छा 1 रुपए. शी मेड अ फेस, उसने थोड़ा मुंह बनाया. बट रणजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग. रणजी को क्योंकि बेचना तो था, तो वो दूसरी तरफ देख कर मन में सोचने लगे. कोकी कीप स्टेयरिंग एट द नेकलेस. कोकी बहुत ध्यान से उस हार को देखने लगी क्योंकि उसे वो चाहिए था. स्लोली शी ओपन अ लिटिल पर्स, टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रूपी. उसने छोटा सा एक पर्स खोला, उसमें से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला. एंड हेल्ड इट आउट टू रणजी, और रणजी को दिया. रणजी हैंडेड हर द नेकलेस. रणजी ने उसे वो नेकलेस दे दिया. देन ही रैन अक्रॉस टू द जुमना स्वीट शॉप एंड टॉस्ड द कॉइन ऑन द काउंटर. वो तुरंत दौड़ते हुए स्वीट शॉप पे गया, उसने जोर से वो सिक्का उस स्वीट शॉप के ओनर के काउंटर पे पटक दिया. जलेबी इज फॉर अ रुपी, 1 रुपए की जलेबियाँ दीजिए. द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड. जलेबी वाले ने बहुत ध्यान से उस सिक्के को देखा और कहा, ऑलवेज एट योर सर्विस सर, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहे हम. ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज एंड हैंडेड देम ओवर. उसने एक पेपर बैग में क्लोथ के बैग में बहुत सारी जलेबियाँ डाली और दे दी. देन वेन रणजी रीचेड द क्लॉक टावर ही फाउंड कोकी वेटिंग. जैसे ही क्लॉक टावर के पास रणजी आया, उन्होंने देखा कोकी वहाँ पे उनका इंतजार कर रही थी. ओह आई एम सो हंग्री, आह मुझे तो बहुत भूख लगी है, शी सेड गिविंग हिम अ शाय स्माइल. बहुत ही शर्माते हुए उसने कहा. सो दे सैट साइड बाय साइड ऑन द लो वॉल एंड कोकी हेल्प रणजी फिनिश द जलेबीज. दोनों एक दूसरे के पास में बैठ गए और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जलेबियाँ खाने लगे. अडेप्टेड फ्रॉम अ रुपी गोज अ लॉन्ग वे बाय रस्किन बॉन्ड. ये रस्किन बॉन्ड की ली हुई नॉवल A Rupee Goes a Long Way से ली गई है स्टोरी. आई होप यू लाइक इट गाइस. सो आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग, लेट मी आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेक्स्ट. ट्राई टू आंसर दिस ट्रूज एंड फॉल्स. नंबर 1, द शॉपकीपर टोल्ड रणजी दैट 1 रुपी कॉइन वॉज ऑफ नो यूज. 2, महेंद्र सिंह अग्रीड टू टेक द कॉइन बिकॉज ही कलेक्टेड ओल्ड कॉइन्स. 3, There was a lot of fish in the river and Ranji was able to use the fishing rod well. Number 4,
Ranji exchanged the fishing rod for a necklace. Number five, Ranji gave the necklace and didn't take any money for it. Try to answer these word meaning, guys. Number one, thrust. It means pushing. Number two, made a face. It means showed she was not happy. Number three, examined. It means looked at it carefully. Number four, startled. It means surprised in a sudden and unpleasant way. Number five, magpie. A black and white bird with a long tail and a noisy cry. Sixth, hesitated no longer. Didn't feel unsure or wait anymore. So guys, listen this video carefully and try to read the chapter 3, A Rupee Goes a Long Way, perfectly. Thank you, everyone.